अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुंबई का मसाला पाव। मसाला पाव बनाने के लिए हमने लिए हैं आलू पाव, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, पाव भाजी मसाला, प्याज, टमाटर, नींबू। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें अब हम बटर डालेंगे। हमने चॉप की हुई एक प्याज है हमारी, इसको हम हल्का सौते फ्राई करेंगे। हमारी प्याज हल्की फ्राई हो गई है, अब हमने उसमें 5-6 हरी मिर्ची बारीक कट के डाली है। ये तीखा बहुत अच्छा लगता है। टमाटर एक है हमारा, हरी मिर्ची थोड़ी सी हमने काट के डाली है, ये शिमला मिर्ची है थोड़ी सी बारीक कट के। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारा 1 टेबल स्पून। दो टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी, 2 टेबल स्पून हमारी लाल मिर्च पाउडर है, नमक है हमारा 1 टीस्पून, पाव भाजी मसाला है 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को हल्का फ्राई करने का थोड़ा सा हम पानी डालेंगे मसाले पकने के लिए। आधा कप पानी है हमारा। देखिए मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी इसमें हम आधा आलू डालेंगे, इसको भी मसाले में। आलू हमारा मैच किया हुआ है एकदम। बहुत सारी हरी धनिया और आधा नींबू का जूस। इन सारे चीज़ों को मिक्स करने का अच्छे से। देखिए हमारे मसाले अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसको मैचर से ऐसा ज़रा करेंगे, मैच करेंगे सारे मसाले को। हम उसी फ्राई पैन में बटर डालेंगे। थोड़ा सा हमने मसाले वो साइड में किए हैं और इसमें ये हम पाव डालेंगे। पाव हमने ऐसे कट किए हैं। देखिए बटर लगाकर हमने पाव को दोनों तरफ से
सेक लिया है, अभी उस पर हम ये जो मसाला बनाए हैं वो मसाला डालेंगे। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। एक साइड हमने ये किए, अभी दूसरी साइड हम इसको ऊपर से डालेंगे। ये देखिए हमारा मसाला पाव रेडी है। आप भी इसी तरीके से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, खाएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।